सो हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व अग्रवाल, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। आज सबसे पावरफुल वीडियो है, इसलिए पावरफुल वे में आया हूँ आपके सामने। केमिस्ट्री डीकोड वीडियो जो आप सबकी हेवी डिमांड पे लाया हूँ मैं। लास्ट ईयर आप सब ने, जो आपके सीनियर थे, जो आप कॉलेज के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया, ठीक है। बहुत चली है वीडियो लास्ट ईयर, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री की, बायो की भी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन उसमें से रिपीट हुए। पेपर मैच करके देखिए लास्ट ईयर का, आपको पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन रिपीट हुए, बहुत क्वेश्चन। तो अगर आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में ये करना है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। इसमें स्पेशली केमिस्ट्री के लिए आप कैसे 150 नंबर ला सकते हो और लास्ट के 30 दिनों के अंदर हमें किन किन टॉपिक पे फोकस करना है, स्पेशली जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, ये आपको पता लगने वाला होगा इस वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स बैचमेट के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। वीडियो से पहले यार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल नाम से। फ्री कंटेंट, फ्री नोट्स, फ्री बुक्स, सब कुछ वहां पे मिल रहा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ऑलरेडी 30,000 बच्चे फायदा उठा रहे हैं, तो आप भी उठाइए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, इसके साथ साथ पेन पेपर लेके बैठिए, जो मेरे वर्ड्स है वो पकड़िए, जो मेरे वर्ड्स है उनको पकड़ना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अपने पास केमिस्ट्री डीकोड वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल इस समय पे। फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले होंगे। वी आर स्टार्टिंग विद फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके 17 से 18 सवाल आपको मिलने वाले होंगे पूरे पेपर के अंदर। 17-18 क्वेश्चन इसके मिलने वाले होंगे पूरे पेपर के अंदर। तो यहाँ से टॉपिक लिखे हैं मैंने, इन टॉपिक की वेटेज बहुत हाई है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई है। तो लेट्स स्टार्ट इट, चलिए रेडी हो आप लोग सब लोग। चलो फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स। ये क्या है भैया, लिख लो, मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये चारों चीजें टिप्स पे चाहिए। कहाँ से मिलेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारे ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। ऑलरेडी आपको आता भी होगा, नहीं आता है तो जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ पे देख लो वीडियो लेक्चर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में क्वेश्चन आने की हाई पॉसिबिलिटी है। मोलालिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन। सेकंड कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। ये सारे कन्वर्शन होते हैं, इसमें इतने मोल, इसमें इतने मॉलिक्यूल्स, ये सारे सवाल, और लिमिटिंग रिएजेंट उसी का आगे का पार्ट है, ठीक है। कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, और इसी में एक चीज ऐड कर लो, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। छोटा कॉन्सेप्ट है बट बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है। क्वेश्चन बस एक ही टाइप का आता है, वो खत्म कर लेना, ठीक है। थर्ड अपने पास है क्वांटम नंबर, यहाँ पे स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट गारंटेड क्वेश्चन में से आता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर चार होते हैं, एजीमुथल वाले, स्पिन क्वांटम नंबर, और आपके स्पिन वगैरह सारे इसमें कवर अप करने हैं। इसके साथ इसके प्रिंसिपल्स भी कवर करने हैं। भैया कौन से प्रिंसिपल, हंट्स रूल हो गया, ठीक है, जो रूल्स हो जाए, ऑफ वॉ प्रिंसिपल हो गए, ये सारे प्रिंसिपल्स एंड रूल्स आपको खत्म करने हैं, इसी के साथ गारंटेड क्वेश्चन है। रेडियस, एनर्जी एंड ये ऑफ बोर्स ऑर्बिट, ठीक है। रेडियस का फॉर्मूला जो होता है एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। एनर्जी का जो होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी वाला, ये सबको पता होना चाहिए, एक बार इसका फॉर्मूला देख लेना, बहुत इजी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको बनने चाहिए, पी वी वाला, कि प्रेशर वी, एन आर टी, सबके डेरिवेशन, सब कुछ वैल्यू, आर की वैल्यू रटी हुई चाहिए, वॉट इज आर पता होना चाहिए। इसके बाद इसके अंदर वी आर एम एस, वी मीन वी एवरेज, वी आर एम एस, वी मीन वी एवरेज, की रूट मीन स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड कितनी है, एंड मीन स्पीड कितनी है, दैट्स इट। ये आपको कंप्लीट फॉर्मूला पता होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे इस पार्ट पे, चलो वर्क, यू एंड क्यू, इंटरनल एनर्जी, आपका हीट, इनके रिलेशंस पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। स्टार मार्क लगा दिया यहाँ पे, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एच में रिलेशन, ठीक है, पूछ सकते हैं स्पॉन्टेनिटी के ऊपर। देखो ये एक ही कंसेप्ट है, जो यूट्यूब पे देखोगे तो यू विल गेट इन 10 मिनट, यूट्यूब पे 10 से 15 मिनट में आपको टीचर कोई भी पढ़ा देगा, ठीक है। तो इसके लिए सर्च करो स्पॉन्टेनिटी वाले कंसेप्ट के लिए, दिस इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस की वैल्यू पता होनी चाहिए, कौन कब पॉजिटिव होता है, कौन कब नेगेटिव होता है। डन, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू ये पता होनी चाहिए, केसी केपी की वैल्यू, ठीक है, सबको इसे पता होगा बट स्टिल बहुत लोगों को पता नहीं होगा, केपी जीरो टू केसी आर टी डेल्टा एन, ये लिख लेना और इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। और नॉर्मल जो आपका केसी निकालने का कंसेप्ट होता है ये भी आना चाहिए, केसी कैसे निकालते हैं, पर ये तो बेसिक वाला, राइट। फिर बफर एंड पीएच पे, बफर के टाइप्स, ठीक है, बफर के टाइप्स और बफर के कैसे कैसे काम होते हैं, दैट्स इट। पीएच पे क्या आएगा भैया, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है,
बेसिक सवाल, ठीक है। आपको अगर एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन दे दिया तो आपको पीएच निकालना आना चाहिए, अगर आपको ओएच माइनस कॉन्सेंट्रेशन दे दिया तो आपको पीएच निकालना आना चाहिए, कौन सा बेसिक कॉन्सेंट्रेशन की पहचान में आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ये सारे बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है। हाँ, ये नहीं है कि गारंटीड टॉपिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि पूरा पेपर बस इन्हीं से आएगा, बट इन्हीं से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके आधे से ऊपर पेपर के होंगे, ठीक है, जो इनसे आएंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कि रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग कैसे करते हैं, मोस्टली ये आप ट्रिक से ही करोगे। और इसी में आता है ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट भी। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको बेसिक केमिस्ट्री भी नहीं आती, जिसको बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर निकलना नहीं आता, तो वो पहले वो पढ़ लें एंड देन कम टू बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद डेंसिटी ऑफ सॉलिड, अब आ गया अपन लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री में, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो आपको रटा हुआ चाहिए, CCP, BCC, FCC, सिंपल क्यूबिक, SCP, इन सब की पैकिंग एफिशिएंसी याद होनी चाहिए। इन सब की पैकिंग एफिशिएंसी कैसे आती है, इनके कॉर्नर पे कितने होते हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें जो यार सबसे बेसिक उस चैप्टर के अंदर पता होनी चाहिए। उसके बाद डिफेक्ट्स, ठीक है, डिफेक्ट में क्या पढ़ना है, सारे डिफेक्ट्स, ठीक है, शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है भैया, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है, कौन कौन शो करता है, सबसे डिफेक्ट्स से यहाँ पे आते हैं, बहुत बेसिक सवाल होते हैं, इनमें भी आपको मैक्सिमम 30-40 मिनट लगने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर क्या है ये पढ़ लो, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट, 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि फॉर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है एंड फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या होता है, कैसे कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है I=2 वाला, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आते हैं, यहाँ से गारंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, राइज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, एलिशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड आपका यहाँ पे आ जाता है एक और कौन सा, भूल गया मैं, याद दिलाओ यार, याद दिलाओ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, ठीक है। बहुत चार फॉर्मूले रखने हैं और क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। नर्स्ट इक्वेशन, ये आपको रटा हुआ चाहिए, नर्स्ट इक्वेशन, फैराडेस लॉ, ये रटा हुआ चाहिए, दो लॉ है, दोनों बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कितना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, कितने मोल बने कैल्शियम वगैरह के, कैल्शियम आयन के, रेट ऑफ रिएक्शन का कंसेप्ट, K1 K2 वाला, ये बेसिक कंसेप्ट है, नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में ये आना चाहिए, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर आपका फिजिक्स में भी आएगा, इनके बेसिक दो फॉर्मूलाज है, दो फॉर्मूलाज बस, ठीक है, हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला है, दैट्स इट। अरेनियस इक्वेशन बेसिक है, एक फॉर्मूला पे हो जाएगा, डन। अब आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, रेडियो अभी तक सब कुछ क्लियर है जो बताया मैंने टॉपिक्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला है जनरल ट्रेंड्स, आपको सारे जनरल ट्रेंड पता होने चाहिए, लाइक साइज कहाँ बढ़ती है कहाँ घटती है, ठीक है। क्योंकि यार देखो, अगर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा अभी भी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिकल बॉन्डिंग में जितना टाइम हो सके उतना टाइम दीजिए, गिव और अलॉट मोर टाइम टू केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल, राइट। तो पहले इसमें आती है जनरल ट्रेंड्स, साइज का घटती बढ़ती है ग्रुप पीरियड में, इसका क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आयोनेशन एंथैल्पी का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनेशन एंथैल्पी, आपका साइज एंड डिसॉल्विंग। सेकंड है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इसके कंसेप्ट पता होने चाहिए, वेस्पर थ्योरी, MOET, और इसमें ही आता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसी का पार्ट है। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ पे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन देखा गया है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ पे लगभग हर साल क्वेश्चन देखा गया है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आना चाहिए, sp3 किसका है, sp2d किसका है, एंड शेप्स के ऊपर, बेसिक शेप्स, ठीक है। ये टॉपिक 1 घंटे का है और ये टॉपिक 30 मिनट का है, बट मैं रिकमेंड करूँगा केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा इनडेप्थ पढ़िए अच्छे से, ठीक है, जैसे कि एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है, कब बढ़ती है कब घटती है, डेंसिटी कैसे बढ़ती घटती है, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पर हर साल क्वेश्चन देखा ही गया है, वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो ये जो फर्स्ट लाइन बताई मैंने, ये फर्स्ट लाइन में से ही आपके 1 से 2 सवाल बनने वाले हैं, ठीक है, यहाँ से 1 से 2 सवाल बनने वाले हैं, ठीक है, यहाँ से भी 1 सवाल बनने वाला है, यहाँ से इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ से भी 1 सवाल बनने वाला है, प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हाई है इनर्ट पेयर वाली, जो इनर्ट पेयर से आपका बनने वाला है, ठीक है। फिर हार्डनेस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन चैप्टर में दिया हुआ है ये, हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, क्लार्क्स मेथड, ये सब मेथड दिए हुए हैं, यू शुड बी फेमिलराइज विद दैट मेथड, ठीक है। फिर आते हैं एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स एंड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, एलोट्रॉप्स कार्बन के कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, डायमंड, ग्राफाइट, बकमिंस्टर, फुलरिंग, ठीक है, 1-2-3 ये आने चाहिए।
मेटलर्जी मेथड्स, ठीक है, कुछ मेटलर्जी के अंदर फेमस मेथड्स हैं वो पता होने चाहिए आपको, जैसे कि वैन अर्कल मेथड एग्जांपल दे रखा है मैंने, ठीक है, मॉन्स मेथड फॉर होता है निकल्स, निकल, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ N2, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन सबको पता होनी चाहिए, नाइट्रोजन प्रिपरेशन में क्या क्या काम देता है, उसके अमोनिया की प्रिपरेशन पता होनी चाहिए, ऑक्सी एसिड क्या क्या है, सल्फर के, फॉस्फरस के, नाइट्रोजन के एंड क्लोरीन के, सबके ऑक्सी एसिड, जैसे गारंटेड क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई तो एक क्वेश्चन गारंटेड है। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस जो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर प्रेजेंट है, प्लीज़ इन क्वेश्चन से करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं sp3 dsp2, ठीक है, sp3 d2 d2 sp3, इन सब में तो ये अच्छे कर लेना, CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये पता होना चाहिए कितना होता है, इसका फॉर्मूला, दो फॉर्मूला दे रखे हैं अलग अलग, एक टेट्राहेड्रल के लिए है, एक ऑक्टाहेड्रल के लिए। उसके बाद एक EAN नंबर बोल के है, ठीक है, EAN नंबर को भी अच्छे से करना कि कब इसकी वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला से आता है ये, उसके डन। उसके बाद अपने पास है एफ ब्लॉक, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन आएगा, एक एक क्वेश्चन यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है, बेसिक्स बहुत, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट, ये ऑलमोस्ट गारंटेड क्वेश्चन में से एक होता है, बहुत बार रिपीट होता है, तो इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, वो होता है अंडर रूट एन एन प्लस टू बी एम बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, जितना मेरे को याद है यार, दो साल बाद उतना बता रहा हूँ, बाकी पता ही नहीं कितना याद है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेडी रेडी है, चलो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बोकैटायन, कार्बन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, इनके बेसिक फंडे, इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर्स, ठीक है, SN1 SN2 ये आने चाहिए, ठीक है, कि कौन सा कब स्टेबल है, कैसे कैसे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या क्या है, आइसोमेरिज्म में टॉटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म, ये इंपॉर्टेंट है दोनों मैक्सिमम, बाकी जो बेसिक वाले हैं वो भी आने चाहिए यार, पोजीशन क्या होता है, चेन क्या होता है, ठीक है। फिर स्टेबिलिटी, देखो यार इसमें बहुत फैक्टर आते हैं, कौन से फैक्टर आते हैं इसमें, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्फिगरेशन, ये तीनों फैक्टर क्लियर चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी के अंदर फैक्टर कौन कौन से थे वो भी लिखे हुए नीचे, पहला फैक्टर आता है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, तो इसके सवाल भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकेंड फैक्टर अपने पास है हाइपर कॉन्फिगरेशन रेजोनेंस, इनमें से स्टेबिलिटी किसके ज़्यादा है, हमें पता है कि रेजोनेंस डोमिनेट, ये डोमिनेट करता है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेम रिएक्शन सारे, इसकी लिस्ट टेलीग्राम को पड़ी हुई है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ध्यान रखना यार, ऑर्गेनिक के लिए मैंने आपको बहुत बढ़िया नोट्स प्रोवाइड कर रखे, मेरे खुद के नोट्स, ठीक है, मेरे पास 70 पेजेस के नोट थे जो मैंने खुद ऐसे बनाए थे कि यार जो नीट में गारंटेड क्वेश्चन आएगा 70 पेज से, ठीक है, 70 पेज से 80 नंबर लेके आओगे नीट में, ठीक है। अगर 70 पेज को पढ़ना स्टार्ट करोगे रोज के 10-10 पेज, तो 8 दिन में पढ़ लोगे, ठीक है। तो वो नोट्स को अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। फिर आते हैं अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन इस बार यहाँ से आएगा, अमाइनो से आएगा या विटामिन से आएगा, क्योंकि यही से मोस्टली आ रहे हैं क्वेश्चन। पॉलीमर्स में भैया क्या पढ़े, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। देखो इनडेप्थ मत घुसो, बहुत कुछ इनडेप्थ मत घुसो, पीवाईक्यूज कर लो, सारे पॉलीमर के टाइप, सबके मोनोमर, टेफ्लॉन हो गया, नाइलॉन 26 हो गया, नाइलॉन 6 हो गया, कैप्रोलैक्टम उसका ये होता है, ठीक है, नाइलॉन, ये सब जो बेसिक वाले हैं सबको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीमर, क्योंकि गारंटीड 1 से 2 सवाल आ सकते हैं, दो, ठीक है, बट गारंटीड है कि उन्हीं में से आएंगे, उन्हीं मोनोमर में से, जो एनसीईआरटी के अंदर 5-6 पेज दे रखे हैं उन्हीं में से आएंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से क्या करें, सब कुछ एक बार पढ़ना है, मैं रिकमेंड करूंगा कि नीट के 1 से 2 दिन पहले इन तीनों चैप्टर को पढ़ना, तीनों को पढ़ना, और हो सके तो इनको प्रॉपरली एनसीईआरटी से ही पढ़ना, ठीक है। अब फोकस कहाँ करना है तो बताऊंगा यार, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, पेनिसिलिन जो होता है वो सब एंटीबायोटिक्स पर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे डिटॉल, डिटॉल वगैरह पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिडास एंड डुमास यहाँ से आएगा, जिडास एंड डुमास यहाँ से आएगा, एनसीईआरटी में क्लास 11th में जीओसी में दे रखा है, ठीक है। और सेकेंड अपने पास है क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसमें आपका क्या क्या आता है, उसमें आपका आता है बेसिक फेरीफेरोसाइनेट टेस्ट, ठीक है, जो बेसिक नाइट्रोजन टेस्ट है, नाइट्रो ट्रूसाइड टेस्ट, सब टेस्ट वहाँ पर दे रखे हैं 2 पेज के अंदर, उसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, 2 पेज के नोट्स, ठीक है, वो पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन आने की हाई पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यही चीज़ है यार, यही इनको पहले स्ट्रॉन्ग करो, देखो पढ़ना सब कुछ है, रिवाइज सब कुछ करना है, बट
फोकस इन पे करना है। जितना फोकस तुम इन पे करोगे उतना तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। अगर आपका इनमें से कोई टॉपिक वीक है तो पहले फोकस करो कि इनको इम्प्रूव करें, क्योंकि यार बाकी चीजें होती रहेंगी बट इनमें से यार बहुत क्वेश्चन रिपीट होंगे। देखना नीट के बाद नेम रिएक्शन की लिस्ट दे रखी मैंने, नेम रिएक्शन गिन चुन के 25-30 होंगे, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट 10-15 होंगे, लाइक गुड रिएक्शन, पिटिक रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेंस, कैनिजरो रिएक्शन, हिजबर्ग रिएजेंट, ठीक है, जो भी नाम ले लो, ठीक है, जितने भी नाम ले लो, अमाइंस वगैरह पे आ गया, ठीक है, अमाइंस का जो प्रिपरेशन है उससे गारंटेड क्वेश्चन आएगा एक, जो हमने इसी में आएगा नेम रिएक्शन में, ठीक है, हिजबर्ग रिएक्शन, सब चीज़ें जो है हिजबर्ग रिएजेंट यहाँ से क्वेश्चन बनने के लिए बनाए गए हैं, राइट। तो डू नॉट इग्नोर द नेम रिएक्शन वन डे बिफोर नीट, नीट से एक दिन पहले सारे नेम रिएक्शन, ठीक है, सारे पॉलीमर्स, एंटीबायोटिक वगैरह करके जाने हैं, क्लियर। चलो, होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। अगर बायो की ऐसी वीडियो चाहिए और केमिस्ट्री के लिए, बायो फिजिक्स के लिए कोई ऐसी और वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, ठीक है, रेस्ट नहीं करनी है, काम करना है। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।